बेस्ट इज हैपी फादर्स डे टू यू एंड टू ऑल द फादर्स डे फॉर टू डे आई हैव अ स्मॉल मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू मतलब आप लोगों को पता ही है इन जनरली आईम जस्ट रिमाइंडिंग यू जैसे कि आप सब मदर्स डे को इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हो आप अपनी सब मम्मा को इतना स्पेशल फील कराते हो तो डू दैट फॉर योर फादर ऑल्सो बट आई नो इट्स वेरी हार्ड की हमें पता ही नहीं है हम अपने डैडी को कैसे खुश करें हमें पता ही बिकॉज आप मम्मा को खुश करना लाइक इट्स बिट ईजी एंड यू नो हर मोर but you know try to make him happy try the stuff he like maybe a food will make him happy So order some food or make some food anything anything he likes you can do that with him today so happy father's day and let's get into the main video so today i'm gonna talk about माई फादर मैं अपने पापा के बारे में बात करने वाली हूँ इन जनरली आई डोंट डू देट मैंने कहीं भी कभी भी कभी भी नहीं बात करी है बट बिफोर टॉकिंग अबाउट हिम लाइक मी शो हिम फॉलो मीट माई से हायवी गो दिस इज माई डैड

You यू हैव योर फादर सो मेक हिम हैप्पी यू नो मेकम्पी लेट्स गेट इन टू द वन कॉमेंट जो मेरे को मिला था जब मैं अपनी नानी की वीडियो मैंने डाली थी नानी के होम टूर का मैंने वीडियो डाला था अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं तो उसमें मुझे एक कॉमेंट मिला था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हुई थी द कॉमेंट इज Yeah, this is the comment Rohi. After watching this video, I want to know how your mom met your dad. How did you guys settle in Delhi? How was your life as a child and how it changed? What inspired you? How old were you when you lost your dad? How did you process the grief? Do let us know. She knows that he's no more. व वेरी फ्यू पीपल नो दैट आई पोस्टेड वन और टू टाइम्स पता नहीं लोग फिर भी कि मतलब उनको पता नहीं है मुझसे पूछते रहते हैं सो है वी गो सो ये कॉमेंट आया और मेरे को लगा कि आई नीड टू आंसर दिस कॉमेंट मतलब मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं और मेरे डैड के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता हुआ है इन जनरली मैं बात भी नहीं करती इस बारे में किसी से भी so, मेरे क्लोज फ्रेंड्स के अलावा और मेरी फैमिली तो भाई उन्हें तो पता ही है सो so, बट मैंने बहुत सोचा कि यू गाइज आर माई बेस्ट इज राइट यू गाइज आर माई बेस्ट सो आप लोगों को भी हक बनता है दैट यू नो अबाउट माय लाइफ अबाउट माय फैमिली यू नो माय मॉम माय माय द होल फैमिली माय ब्रदर्स नाउ यू इज टर्न टू नो अबाउट माय फादर विल स्टार्ट विद द लव स्टोरी आई वन नो हाउ योर मॉम मेट योर डैड बड़ी मुझे नहीं पता बिकॉज मम्मा ने नहीं बताया इस बारे में कभी बात ही नहीं करी है ठीक है इवन दो आई कॉल्ड हर टूडे एंड इट्स लाइक मम्मा बताना कि आप पापा पापा कैसे मिले थे मम्मी कहती मुझे याद नहीं

शॉप होती मतलब नॉट अ ग्रोसरी स्टोर मतलब छोटी सी शॉप थी वो मेरी मम्मा वहाँ पे सामान लेने आती थी डाट कहते थे कि ना वो टॉफी ना चुरा चुरा के मम्मा को देते थे तो ऐसे मम्मा पट्टी <laughs> ये रीजन बताया था उन्होंने कि हाँ मैंने ऐसे बताया मम्मा को तो आई गेस दिस इज द स्टोरी आई डोंट नो इट इज इट इज रियल और इट इज फेक पता नहीं पापा ने ऐसे मजाक में बोला आई डोंट नो मे बी इट कैन इट बी अ फेक आई डोंट नो बट इतना पता है मुझे मैं मॉम वॉज लाइक फोर्टीन और फिफ्टीन ईयर ओल्ड तो वो टीन एज में थी और डैड भी मेरे ज़्यादा बड़े नहीं थे कैसे वही मम्मा से दो तीन साल बड़े थे तो वो ऐसे उनकी लव स्टोरी चल गई टॉफी से या समथिंग किसी से और वो लोग भाग गए वो उस टाइम पर लोग भाग जाते थे <laughs> तो या दैस द्सनैरियो भाग गया उन्होंने शादी कर ली फिर हमें पैदा कर दिया दैट्स द लव स्टोरी ओके हाउ डिड यू गाइड सेटल इन डेलीज बेसिकली मैं बॉर्न वहीं दार्जिलिंग में हुई हूँ बट मैं ब्रॉटअप यहाँ पे हुई हूँ सो so, जब हम तीनों पैदा हो गए थे उस टाइम पे मेरे मॉम डैड इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी तो so, उनको uh, किसी ने बोला कि आप दिल्ली चलो हमारे साथ विल ऑफ़र यू वर्क एंड ऑल आप अच्छा कमा सकते हो सो so, ऐसे उन हम मम्मा ने हम तीनों को मेरे मॉम डैड ने हम तीनों को लिया और वो लोग दिल्ली आ गए बेसिकली नोएडा आ गए मैं, मैं बचपन से ही नोएडा में रही हूँ पैदा वहाँ पे हुई थी नोएडा में रही हूँ पर्पज ऑफ इनकम दैट्स हाउ भी सेटल है हाउ वज योअर लाइव एज अ चाइल्ड एंड हाउ इट चेंज्ड ओके हाउ वज माई लाइफ एज अ चाइल्ड आई रियली डोंट रिमेंबर दो मतलब बिकॉज मेरी मेमोरी बहुत छोटी है मुझे याद नहीं है बट टीन एज का काफी मुझे याद है बट चाइल्डहुड मेरा नॉर्मल था वी वी व पुअ या वी व हम वो हमारे एज सच हम किसी उसमें नहीं रहते थे हम लोग छोटे से रूम में रहते थे और हम तीनों उसमें रहते थे मेरे मॉम डैड भी वहीं भी रहते थे और जो भी था मतलब वीवो पुआ उस टाइम पे और हाँ इतना ही याद है मुझे बट क्या मतलब मैं बहुत क्यूट थी <laughs> अभी भी है <हुँ, laughs> बट मतलब उस टाइम में बहुत क्यूट थी और मुझे बहुत लोग प्यार करते थे मुझे इतना पता है कि मुझे तब इट्स नॉट अबाउट लाइक फेमस जो जो अभी फेमस होने की जो बात करते हैं वो मेरा बचपन से ही था लाइक like बचपन से ही मैं फेमस थी जिस सोसाइटी में हम रहते थे मुझे वहाँ पे सब बहुत मम्मा बताती कि मैं बहुत मैं बहुत क्यूट थी सबके सबको मैं बहुत प्यारी लगती थी और सब लोग बोलते थे कि बहुत क्यूट है बहुत है। जब कन्या खिलाते हैं ना तो उस टाइम पे ना मेरी तो वो होती थी कि बुकिंग होती थी कि नहीं उसको हमारे घर भेज देना उसको हमारे घर भेज देना तो मम्मा ने मुझे बताया है मुझे याद नहीं है मैं बहुत छोटी थी तो दैट्स माई चाइल्ड मतलब वो फेमस वाला ना पर्सनालिटी बचपन से यू नो एक होता है ना मैं पैदा ही पता नहीं बढ़ा हाउ इट चेंज ओके सो अगर देखा जाए तो वी स्पेंड आवर मोस्ट ऑफ द लाइफ इन लाइक वेरी बैड कंडीशन हाँ हमने बहुत झेला है मेरी पूरी फैमिली ने बहुत झेला है बट आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ माई फैमिली बिकॉज मेरे घर पे सब इंडिपेंडेंट है मेरा बड़ा वाला भाई मेरा मिड वाला भाई मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ मेरी मम्मा ने हम तीनों को पाला ठीक है और डैड ने भी एक टाइम तक साथ दिया बट फिर मेरे मॉम डैड सेपरेट हो गए थे ठीक है दर इज लाइक समथिंग इशू तो उसके वजह से सेपरेट हो गए थे तो फिर मेरी मम्मा ने हम तीनों को संभाला हमें बड़ा करा हमें स्टडी कराई पढ़ाई कराई उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी हमारे ऊपर हमें पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी तो या हाउ इट चेंज तो मेजर तो चेंज आया हमारा हमारी सो लेट मी टेल यू दिस हमारा एक फैमिली बिजनेस है विच इज़ स्पोर्ट्स अकेडमी मेरे बड़े वाले भाई ने स्टार्ट किया था उसे ठीक है उसने चालू करा और फिर वहाँ से उसने पैसे अर्न करना चालू करा फिर उसने मेरे मिड वाले ब्रदर को उसमें इन्वॉल्व करा फिर मिड वाले फिर मेरे बड़े वाले भाई ने अपने गोल्स कंप्लीट करे उसने एनिमेशन अपने अपनी मेहनत से अपने पैसों से करी उसने ठीक है वो बच्चों को अकैडमी में ट्रेन करके उसने अपनी मेहनत से अपनी स्टडी कंप्लीट करी एट द सेम पॉइंट मेरे मिड वाले ब्रदर ने भी ऐसे ही एमए में एडमिशन लिया एम में उसने ग्रेजुएशन करी और उसने मास्टर्स भी कर है मतलब इट्स अ बिग डील मतलब इट्स अ वेरी बिग डील बिकॉज क्योंकि आप अपनी उस एज में आके एम की फीस पे करना ठीक है और अपने आप से सब कुछ करना दैट्स अ बिग डील तो आई एम प्राउड ऑफ़ माय फैमिली आई एम प्राउड ऑफ माय ब्रदर्स उन्होंने बहुत मेहनत करी है तो या yeah, बट ये हम सबको सब कुछ किया मेरे भाइयों ने बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स अकैडमी वो बच्चों को ट्रेन करके वो अपनी फीस पे करते थे आई नो इट्स लाइक शेरिजा जवाब जो माँ बाप हमें सुनाते हैं बट इट इज इट इज़ ट्रू इट इज़ ट्रू यही मेरी लाइफ में भी यही हुआ है क्योंकि अगर आप बिलोंग कर सकते आई कैन इवन से कि हम लोग मिडिल क्लास थे आई कैन से वी वर्क पुअर ठीक है तो हम तो हमारे लिए बहुत ही मेजर चेंज वहीं से आया जब मेरे भाई ने बड़े भाई ने इनकम चालू कर दी या फिर उसने मिड वाले को इन्वॉल्व किया फिर उसने चालू कर दी फिर मैंने जैसे ही ट्वेल्थ कंप्लीट करी तो फिर मुझे भी इन्वॉल्व करा और फिर मैंने भी चालू कर दिया फिर या वी डेड दैट और ऐसे धीरे 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 हम ग्रो करने लगे यस yes. ओके नेक्स्ट व्हाट इंस्पायर्ड यू वॉट इंस्पायर्ड मी ऑनेस्टली द मोस्ट इंस्पायर्ड थिंग इज माई फैमिली मैंने बता रखा है अभी मैंने बता दिया कि हाउ दे आर इंडिपेंडेंट और वो अपनी खुद से उन्होंने कितना सब कुछ खुद से अचीव करा है मेरे घर पर ये नहीं है कि आपको ला के सब दे दिया हमारे घर पर सब ने सब कुछ अचीव करा है तो या yeah, मे मैं, मैंने अपनी फैमिली से सीखा है दे इंस्पायर्ड मी माई मॉम इंस्पायर्ड मी मेरी माँ ने बहुत मेहनत किया हमें पढ़ाने के लिए

माए मेरी मम्मा को भी बहुत मुश्किल हुई थी बेसिकली बट या नाउ वी आर फाइन एंड आई गैस ही इज वॉचिंग एस ग्रोइंग सो दैट्स इट आई गेस आई आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चन है जो मुझे उस कॉमेंट ने पूछा है सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आप लोगों का मेरी लाइफ के का एक पार्ट पता चल गया है बिकॉज यू गैस आर माई बेस्ट हीज एंड दैट्स इट I love you all and yeah today is Father's Day so enjoy this day ठीक है be grateful what you have so yeah I love you all keep watching my video please like this video and comment down below whatever you feel like just let me know and subscribe my YouTube channel also you can hit the bell icon जिससे कि हम एकदम connection में रहे और मैं जब भी update करूँ तो आप लोग को पता चल जाए just stay in touch with me और वो एक ही तरीका है कि आप subscribe button दबा के आप you we can stay in touch together so love you okay bye besties bye